दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। आपको बता दें कि बंगाल में ममता बनर्जी की जीत और बीजेपी की हार से दिल्ली में बैठे किसान काफी खुश। अब उत्तर प्रदेश हराने का किया ऐलान। वहीं बंगाल में हिंसा का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। बंगाल में सीबीआई जांच और राष्ट्रपति शासन लगाने की उठी मांग। वहीं राहुल गांधी का बड़ा ऐलान, बोले देश में पूर्ण लॉकडाउन लगाने की जरूरत, फैसले में देरी से जा रही लोगों की जान। वहीं अधीर रंजन चौधरी बोले, हमारे मुस्लिम वोट तृणमूल कांग्रेस को चले गए और लेफ्ट ने भी अपना वोट ट्रांसफर कर दिया। वहीं प्रियंका गांधी का बड़ा ऐलान, बोली पीएम मोदी के नए घर सेंट्रल विस्टा पर करोड़ों खर्च करने के बजाय लोगों की जान बचाने पर ध्यान दे मोदी सरकार। वहीं बंगाल हिंसा पर भाजपा सांसद प्रवेश सिंह वर्मा की टीएमसी को कड़ी चेतावनी, बोले याद रखें टीएमसी सांसद विधायकों को दिल्ली भी आना है। वहीं शिवसेना का बड़ा ऐलान, बोली बंगाल में अहंकार की वजह से हारी बीजेपी। वहीं भारत में बंटवारे में हुई थी ऐसी हिंसा, हम जंग को तैयार, बंगाल पहुंचकर बोले जेपी नड्डा। वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान, दिल्ली में 72 लाख लोगों को 2 महीने फ्री राशन और ऑटो रिक्शा चालकों को मिलेंगे 5,000 रुपए। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, बंगाल में ममता बनर्जी की जीत और बीजेपी की हार से दिल्ली में बैठे किसान काफी खुश। अब उत्तर प्रदेश हराने का किया ऐलान। ये आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की शानदार जीत से 5 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसान आंदोलन को बल मिला है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी की विजय से किसान संगठनों के नेताओं में एक नया जोश आ गया है। उनका मानना है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की हार में किसान आंदोलन एक अहम कारण रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने अब कड़ी चेतावनी दी है कि यदि केंद्र सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है तो पश्चिम बंगाल की तर्ज पर अब उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा का खुलकर विरोध किया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा के प्रमुख नेता बलबीर सिंह राज्यवाल, गुरुनाम सिंह चढ़ूनी और राकेश टिकैत आदि ने पश्चिम बंगाल रैलियां, जनसभाओं में सम्मेलनों के जरिए लोगों से भाजपा को वोट नहीं देने की अपील की थी। मोर्चा के नेताओं ने केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों को किसान गरीब विरोधी बताया था। इन नेताओं ने बताया कि 5 महीने से धरने पर बैठे हैं, लेकिन सरकार उनकी बात नहीं सुनती है। किसान नेताओं का दावा है कि आंदोलन से सरकार की छवि धूमिल हुई है। आपको बता दें कि किसान मोर्चा के वरिष्ठ नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी और राकेश टिकैत ने कहा कि पश्चिम बंगाल की हार से सरकार को समझ में आ जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसान संगठन सरकार से बात करने को भी तैयार हैं। सरकार को बगैर देरी के 3 कृषि कानून तुरंत रद्द कर देने चाहिए। इसके साथ ही न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर खरीद की गारंटी के लिए एक नया कानून बनाने की घोषणा करनी चाहिए। इसके अलावा किसान किसी बात के लिए तैयार नहीं है। सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो 2022 में उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा का तगड़ा विरोध किया जाएगा। गांव-गांव जाकर भाजपा के बजाय किसी भी दूसरे राजनीतिक दल को वोट देने की अपील की जाएगी। यदि आप भी चाहते हैं कि कृषि कानून हमेशा के लिए रद्द हो जाएं, तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगली बड़ी खबर, बंगाल में हिंसा का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। सीबीआई जांच और राष्ट्रपति शासन लगाने की उठी मांग। ये आपको बता दें कि बंगाल में चुनाव के बाद हो रही हिंसा का मामला मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा। आपको बता दें कि भाजपा प्रवक्ता व वरिष्ठ वकील गौरव भाटिया ने शीर्ष कोर्ट में याचिका दायर कर पश्चिम बंगाल में चुनाव नतीजे के बाद हो रहे खून खराबे, हत्या व बलात्कार आदि की घटनाओं की सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। इस बीच एक गैर सरकारी संगठन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर पश्चिम बंगाल में तुरंत राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि राज्य में संवैधानिक तंत्र पूरे तरीके से ध्वस्त हो गया है, ऐसे में वहां पर संविधान के अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल करते हुए तुरंत राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। भाटिया ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के सदस्य उन लोगों को निशाना बना रहे हैं जिन्होंने 2021 के विधानसभा चुनाव में किसी भी अन्य पार्टी को वोट दिया था। कोलकाता में अभिजीत सरकार की हत्या का जिक्र करते हुए भाटिया ने कहा कि ये घटना इस बात का उजागर करने के लिए पर्याप्त है कि टीएमसी की छत्र छाया में पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र का नंगा नाच चल रहा है। याचिका में कहा गया है कि मरने से कुछ समय पहले अभिजीत सरकार द्वारा फेसबुक पर डाले गए एक वीडियो पोस्ट में यह कहा गया था कि किस तरीके से टीएमसी के समर्थकों ने न केवल उनके घर व एनजीओ को तहस नहस किया बल्कि लोगों को भी मारा। वीडियो पोस्ट करने के बाद अभिजीत की मौत हो गई। आपको बता दें कि फिलहाल पश्चिम बंगाल में इस घटना को लेकर सीबीआई जांच और पश्चिम बंगाल में तुरंत राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग की गई है।
और ये बड़ी खबर, राहुल गांधी का बड़ा ऐलान, बोले देश में पूर्ण लॉकडाउन लगाने की जरूरत, फैसले में देरी से जा रही लोगों की जान। ये आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कई राज्यों में लॉकडाउन लगा दिया गया है। इसी बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पूरे देश में पूर्ण लॉकडाउन लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है और वो है पूर्ण लॉकडाउन। राहुल गांधी का ट्वीट ऐसे समय आया है जब देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 2 करोड़ के पार पहुंच गई है। राहुल गांधी ने कहा कि इस समय कोरोना से निपटने के लिए पूर्ण लॉकडाउन लगाना ही एकमात्र उपाय बचा है और सरकार को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है, तुरंत लॉकडाउन लगाने की जरूरत है। उन्होंने आगे कहा कि समाज के कुछ तबकों को न्याय योजना का लाभ देकर पूर्ण लॉकडाउन लगाया जाए ताकि लोगों की जिंदगियां समय रहते बचाई जा सके। राहुल गांधी इससे पहले भी कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए केंद्र सरकार को अपने सुझाव देते आए हैं। आपको बता दें कि एक बार फिर से राहुल गांधी ने सभी लोगों के लिए 6,000 रुपए देने और देश में पूर्ण लॉकडाउन लगाने की मांग की है। और ये बड़ी खबर, अधीर रंजन चौधरी का बड़ा ऐलान, बोले हमारे मुस्लिम वोट तृणमूल कांग्रेस को चले गए और लेफ्ट ने भी अपना वोट ट्रांसफर कर दिया। ये आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में भले ही बीजेपी को उम्मीदों के मुताबिक सफलता नहीं मिली है, लेकिन सबसे बड़ा झटका तो कांग्रेस को लगा है। 2016 में 44 सीटों पर जीत हासिल करने वाली कांग्रेस इस बार शून्य पर रही है, यानी कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया। कांग्रेस की इस दुर्गति को लेकर पार्टी लीडर अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि मुस्लिम वोट टीएमसी के खाते में चले गए हैं। इसके अलावा लेफ्ट ने भी अपना वोट टीएमसी को ट्रांसफर करा दिया है। इसके चलते ही कांग्रेस इतनी पिछड़ गई है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि टीएमसी सत्ता को बचाना चाहती थी जबकि बीजेपी पावर हासिल करना चाहती थी, लेकिन हमारे लिए ऐसा कुछ दाव पर नहीं था, हम अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे थे। बीजेपी पर पोलराइजेशन का आरोप लगाते हुए अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि उसने इसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन फेल साबित हुई। उन्होंने कहा कि मुर्शिदाबाद और मालदा जैसे इलाकों में मुस्लिम वोट बैंक का ध्रुवीकरण हुआ है। कांग्रेस नेता ने कहा कि ममता बनर्जी पर महिलाओं ने भरोसा जताया है जबकि मुस्लिमों ने उनका विश्वास किया है। लेफ्ट वोटों के टीएमसी की ट्रांसफर होने के सवाल पर चौधरी ने कहा कि निश्चित तौर पर वोटों का हिस्सा ट्रांसफर हुआ है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि कांग्रेस का वोट भी काफी हद तक टीएमसी को चला गया। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि कांग्रेस को मुख्य तौर पर मुस्लिम वोट मिलता है और वो टीएमसी को ट्रांसफर हो गया, जिसके चलते ये स्थिति पैदा हो गई। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि मुस्लिम वोट टीएमसी के खाते में चला गया है और हिंदू वोट बीजेपी के खाते में चला गया, हमारे लिए कुछ भी नहीं बचा। बता दें कि लेफ्ट और इंडियन सेक्युलर फ्रंट के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने के बाद भी राज्य में कांग्रेस को एक भी सीट हासिल नहीं हुई है। और ये बड़ी खबर, प्रियंका गांधी का मोदी सरकार पर तगड़ा हमला, बोली पीएम मोदी के नए घर सेंट्रल विस्टा पर करोड़ों रुपए खर्च करने के बजाय लोगों की जान बचाने पर ध्यान दे मोदी सरकार। ये आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने देश में बने कोरोना से हालातों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर तगड़ा हमला किया। प्रियंका गांधी ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर बात करते हुए कहा कि करोड़ों रुपए खर्च कर पीएम मोदी के लिए नया घर बनाने के बजाय अगर ये पैसा मरीजों पर खर्च किया जाए तो न जाने कितनी जानें बचाई जा सकती हैं। प्रियंका गांधी ने सेंट्रल विस्टा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया घर बताया है। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश कोरोना से जूझ रहा है, अस्पतालों में बेड नहीं है, ऑक्सीजन की भारी कमी है, दवाएं और वैक्सीन लोगों को समय पर नहीं मिल पा रही, और ऐसे में सरकार इन बातों पर ध्यान देने के बजाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए घर को बनाने में करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। उन्होंने कहा कि जब देश के लोग ऑक्सीजन, वैक्सीन, हॉस्पिटल बेड, दवाओं की कमी से जूझ रहे हैं, तब सरकार 13,000 करोड़ से पीएम मोदी का नया घर बनाने के बजाय सारे संसाधन लोगों की जान बचाने के काम में डाले तो बेहतर होगा। उन्होंने आगे कहा कि इस तरीके के खर्चों से पब्लिक को मैसेज जाता है कि सरकार की प्राथमिकताएं किसी और दिशा में हैं। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर तगड़ा हमला बोला और कहा कि पीएम मोदी अपना नया घर बनाने में लगे हैं जबकि जनता को मरने के लिए छोड़ दिया है। और ये बड़ी खबर, बंगाल में हिंसा पर भाजपा सांसद प्रवेश सिंह वर्मा की टीएमसी को कड़ी चेतावनी, बोले याद रखें टीएमसी के सांसद विधायकों को दिल्ली भी आना है। ये आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं, चुनाव प्रचार के दौरान राज्य में हिंसा की कई घटनाएं सामने आई हैं और 9 लोगों की मौत हो गई है। अब राज्य में हुए चुनावों के नतीजे भले ही सामने आ गए हैं, लेकिन हिंसा की खबरें थमने का नाम नहीं ले रही। भाजपा के सांसद प्रवेश साहेब सिंह वर्मा ने तृणमूल कांग्रेस पर हत्या व हिंसा का
बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि चुनाव नतीजे आने के बाद टीएमसी के गुंडों ने भाजपा के कार्यकर्ताओं की पिटाई की है। इसके अलावा सांसद ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि टीएमसी ये न भूले कि उसे दिल्ली भी आना है। आपको बता दें कि चुनाव परिणामों के बाद राजनीतिक हिंसा पर भाजपा सांसद प्रवेश सिंह वर्मा ने कहा कि मैं ममता बनर्जी से कहना चाहता हूं कि वे पश्चिम बंगाल में इस हिंसा को तुरंत रोकें। जब अगर ऐसा भी बर्ताव उनके साथ यूपी बिहार जाने पर हो तो टीएमसी नेताओं को कैसा लगेगा। मैं टीएमसी विधायकों और सांसदों को कहना चाहता हूं कि वे अपनी सीमा के भीतर रहें। आपको बता दें कि उन्होंने साफ कहा यदि बंगाल में हमें परेशान किया जाएगा तो आपको दिल्ली भी आना है। और ये बड़ी खबर, शिवसेना का मोदी सरकार पर तगड़ा हमला, बोली बंगाल में अहंकार की वजह से हारी बीजेपी। ये आपको बता दें कि बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी को उम्मीदों के मुताबिक परिणाम न मिलने पर कभी उसकी सहयोगी पार्टी रही शिवसेना ने तगड़ा हमला बोला। शिवसेना ने कहा कि बीजेपी को अहंकार के चलते पश्चिम बंगाल में हार का सामना करना पड़ा है। यही नहीं, अपने मुखपत्र सामना में शिवसेना ने कहा कि महाराष्ट्र में असहिष्णुता के चलते बीजेपी सत्ता से बाहर हुई है। शिवसेना की ओर से ये टिप्पणी बीजेपी द्वारा एनसीपी के मंत्री छगन भुजबल पर हमले के बाद आया है। बीजेपी की ओर से छगन भुजबल को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा गया कि उन्हें बीजेपी के खिलाफ बोलने से पहले सोच समझ लेना चाहिए। बंगाल में आए चुनाव नतीजों में बीजेपी को 292 सीटों में से 77 पर जीत मिली है, जबकि टीएमसी को 213 सीटों पर जीत हासिल हुई है। सामना के संपादकीय में भुजबल की टिप्पणी का जिक्र करते हुए कहा गया है कि उन्होंने ममता बनर्जी की तारीफ की थी और उसमें आखिर गलत किया था। इसे बीजेपी का अहंकार बताते हुए शिवसेना ने कहा कि इसी अहंकार के चलते बीजेपी को बंगाल में तगड़ी हार का सामना करना पड़ा है। और ये बड़ी खबर, बंगाल पहुंचे जेपी नड्डा, बोले भारत के बंटवारे में हुई थी ऐसी हिंसा, हम जंग को तैयार। ये आपको बता दें कि चुनाव नतीजों के बाद से जारी हिंसा के बीच बीजेपी चीफ जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल पहुंच गए हैं। कोलकाता में एयरपोर्ट पर उतरते ही जेपी नड्डा ने तृणमूल कांग्रेस को हिंसा पर कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि हम लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई के लिए पूरे तरीके से तैयार हैं। जेपी नड्डा ने कहा कि वैचारिक लड़ाई के लिए हम पूरे तरीके से प्रतिबद्ध हैं। टीएमसी की गतिविधियां असहिष्णुता से भरी हुई हैं, उसके मुकाबले के लिए हम लोकतांत्रिक तरीके से लड़ने को तैयार हैं। मैं अब दक्षिण 24 परगना जाऊंगा और बीजेपी कार्यकर्ताओं के परिजनों से मिलूंगा, उनकी हिंसा में जान गई है। जेपी नड्डा के साथ बीजेपी के सीनियर लीडर कैलाश विजयवर्गीय और भूपेंद्र यादव भी बंगाल पहुंचे हैं। जेपी नड्डा ने कहा कि बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद जो हुआ है उन घटनाओं से हम चिंतित हैं और सदमे में हैं। मैंने ऐसी घटनाएं भारत के विभाजन के दौरान ही सुनी थी। आजाद भारत में चुनाव नतीजों के बाद हमने कभी भी इस तरीके की हिंसा नहीं देखी। इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने भी बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ से फोन पर बातचीत कर चिंता जाहिर की है। यही नहीं, बीजेपी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में भी अर्जी दाखिल कर हिंसा की सीबीआई जांच कराने की मांग की गई है। और ये बड़ी खबर, आज तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी ममता बनर्जी, गांगुली सहित बुद्धदेव भट्टाचार्य को दिया न्योता। ये आपको बता दें कि ममता बनर्जी आज तीसरी बार बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। ममता बनर्जी सीमित संख्या में आयोजित सादा समारोह में राजभवन में शपथ ग्रहण करेंगी। ममता बनर्जी को वरिष्ठतम विधायक सुब्रत मुखर्जी प्रोटेम स्पीकर के तौर पर शपथ दिलाएंगे। कोविड प्रोटोकॉल के साथ आयोजित कार्यक्रम में आज केवल ममता बनर्जी ही शपथ लेंगी, बाकी विधायक 6 और 7 मई को एक सादा समारोह में शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण के बाद ममता बनर्जी राज्य सचिवालय में एक हाई लेवल बैठक करेंगी। बैठक का प्रमुख एजेंडा कोविड-19 होगा। आपको बता दें कि फिलहाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। अगली बड़ी खबर, बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले, असदुद्दीन ओवैसी ने ममता बनर्जी को दी नसीहत। ये आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की वापसी के बाद भारतीय जनता पार्टी के दफ्तरों और कार्यकर्ताओं पर हमले हो रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि मतगणना के बाद उसके कम से कम 9 कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई है, उनके घरों और दुकानों में लूटपाट की गई है तो आगजनी और तोड़फोड़ भी की गई है। इस बीच AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने हिंसक घटनाओं की निंदा करते हुए ममता बनर्जी को नसीहत दी है कि लोगों की जिंदगी बचाना आपका पहला कर्तव्य है। ओवैसी ने कहा कि जीवन का अधिकार मौलिक अधिकार है, किसी भी सरकार का पहला कर्तव्य लोगों की जिंदगी बचाना है। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं वे अपने मौलिक कर्तव्य में विफल हैं। देश के किसी भी हिस्से में लोगों की जिंदगी बचाने में किसी भी सरकार की असफलता की हम निंदा करते हैं। आपको बता दें कि उन्होंने साफ कहा कि ममता दीदी, पहले लोगों की जान बचाना काफी महत्वपूर्ण है।
और ये बड़ी खबर, उत्तराखंड सरकार के सहयोग से 2 कोरोना अस्पताल चलाएगी पतंजलि। बाबा रामदेव ने खुद बताया कैसे किया जाएगा इलाज। यहाँ आपको बता दें कि योग गुरु बाबा रामदेव की संस्था पतंजलि उत्तराखंड सरकार के साथ मिलकर कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए 2 अस्पताल चलाएगी। इन अस्पतालों में कोरोना संक्रमित मरीजों का आयुर्वेद पद्धति के साथ साथ नेचुरोपैथी आदि तरीके से भी इलाज किया जाएगा। योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि 100% आयुर्वेद के साथ साथ नेचुरोपैथी से भी इलाज होगा, एक तरीके से आहार चिकित्सा होगी। बाबा रामदेव ने यह भी बताया कि अस्पताल में सभी बेड पर ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई है। वहीं अगर कोई भी मरीज गंभीर तौर पर बीमार हो तो उसके लिए ICU और वेंटिलेटर का भी इंतजाम किया गया है। उन्होंने कहा कि इन सब के अलावा मरीजों से प्राणायाम करवाया जाएगा, म्यूजिक थेरेपी और मड थेरेपी भी दी जाएगी। अस्पताल में किस तरीके के डॉक्टर होंगे, इस सवाल पर बाबा रामदेव ने कहा कि एलोपैथी के डॉक्टर भी होंगे और MBBS MD भी होंगे, नेचुरोपैथी और आयुर्वेद के डॉक्टर भी होंगे। हर तरीके से इलाज किया जाएगा, हम पैथी के झगड़े में यहाँ नहीं पड़ेंगे। आपको बता दें कि बाबा रामदेव ने 2 कोरोना अस्पताल चलाने का ऐलान कर दिया है। और ये बड़ी खबर, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान, दिल्ली के 72 लाख लोगों को मिलेगा 2 महीने का फ्री राशन, ऑटो रिक्शा चालकों को मिलेंगे 5,000 रुपए। ये आपको बता दें कि कोरोना संकट के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वासियों को फ्री राशन और आर्थिक मदद देने का ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के 72 लाख राशन कार्ड धारकों को 2 महीने तक फ्री राशन और ऑटो रिक्शा चालकों को आर्थिक मदद के तौर पर 5,000 रुपए देने की बात कही है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में राशन कार्ड धारकों को अगले 2 महीने मुफ्त में राशन दिया जाएगा। दिल्ली में लगभग 72 लाख राशन कार्ड धारक हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि लॉकडाउन 2 महीने चलेगा। दिल्ली सरकार सभी ऑटो टैक्सी चालकों को 5,000 रुपए देकर उनकी मदद करेगी, ताकि इस आर्थिक तंगी के तौर में उनको थोड़ी राहत मिल सके। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वासियों को 2 महीने का फ्री राशन देने का ऐलान कर दिया है, साथ ही ऑटो रिक्शा चालकों को 5,000 रुपए देने का भी ऐलान कर दिया है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोरोना मुक्त हो जाए और कृषि कानून हमेशा के लिए रद्द हो जाए, तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।